परीक्षाओं का तनाव अक्सर छात्रों पर भारी पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए कुछ गुरु मंत्र छात्रों के साथ साझा किए थे। ये कार्यक्रम पिछले दिनों दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। इस पहल में पीएम के साथ देश भर के विद्यार्थी जुड़े थे। कैसा असर रहा प्रधानमंत्री जी के इस संवाद का, पेश है तुमुल कक्कड़ की ये खास रिपोर्ट। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आमतौर पर ये विद्यार्थियों को चिंतित कर जाती है, लेकिन इस बार कुछ बदला है। पीएम मोदी ने हमें बहुत इंस्पायर करा है सिंस द बिगिनिंग, जिस जब से आए हैं वो। बट उन्होंने एक हमारे लिए माइलस्टोन सेट किया, जिस तरीके से उन्होंने हमारे से इंटरेक्ट किया 1.5 घंटे तक, वो दिखाता है कि हमारे पेरेंट्स ही नहीं बट पीएम भी है, एक मेजर माइलस्टोन है जो हमें ऐसे इन्फोर्स कर रहे हैं कि हम आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बने। और वो बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है जिस तरीके से उन्होंने हमें मोटिवेट किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि अनुस्पर्धा पे ज्यादा ध्यान दो, ना कि प्रतिस्पर्धा पे। प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया कि कैसे परीक्षाओं को आनंद उत्सव बनाया जाए, जिसमें शामिल था तन और मन को साथ लाने वाला योग। छोटे बच्चों से हमने शुरू कराया, ये अभी बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करें कि जब ये उस एज तक पहुँचें तो वो इस तरीके की कोई भी उनके अंदर भावना ना आए और वो मतलब एक सिंगल हेडेड, एक फोकस्ड अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ें। आज जरूरत है कि योग शुरुआत से ही जीवन शैली का हिस्सा बने और शिक्षा की परंपरागत सोच को नए सांचे में ढाला जाए, और कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। तुमुल कक्कड़ की रिपोर्ट, DD News। In 10, in 11.